15 गाड़ी हमने हायर की है बच्चों का, सर हमारे पास हमने 10 लोगों की गाड़ी मतलब हमारा कुछ अपना डर है ना करे ईश्वर कोई कैजुअलिटी हो जाए तो फिर हाथ लगाने को कोई अब डेड बॉडी भी नहीं दे रहे वो तो हाथ लगाने को दे रहे हैं तो फिर बीमार आदमी को ले जाने के लिए कौन तैयार होगा। वो तो है सर, आपको बात होने के बाद हमने 15 गाड़ी लगा दी सर। उनका ये 28 फरवरी को आए थे सर, वो तो एक महीने तो ज़्यादा ही हो गया अभी कोई किसी का। खुद ही अपनी हमारे पास पूछा हमने उनका इंटर कॉलेज में, तो इनका जागरूकता और थोड़ा अभियान पूरे जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, और जिस तरह से चाहे वो फूड ग्रेन की समस्या हो, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड की हो, क्वारंटाइन की हो, हर जगह पे पूरी तरह से प्रशासन की नज़र है और लगातार प्रशासन इस संबंध में काम कर रहा है। देखिए, क्योंकि आने वाले समय में राशन की कमी ना पड़े, एक सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है, क्योंकि लगातार आदमी घर पर और पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर लोगों की रोजमर्रा की इनकम है और यहाँ पे सेविंग का वो नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में लोगों को कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर लंबा ये चला है तो परेशानी हो सकती है। तो उसको इंश्योर किया गया कि हर व्यक्ति को, चाहे वो BPL हो, APL हो, हर व्यक्ति के खाद्यान्न की कमी नहीं पड़नी चाहिए। और जहाँ तक पेरिशेबल आइटम्स हैं, सब्जियाँ और फल, इन ये ख़राब ना हो, इनकी लगातार सप्लाई बनी रहे, और जो हमारे काश्तकार इससे इसमें लगे इन्वॉल्व है उनको प्राथमिकता दी जाए उनको सामान पहुंचाने के लिए। तीसरा, जो किसान को आज की तारीख में पेस्टिसाइड खाद और बीज की आवश्यकता होती है, उसके लिए जो हमारे सचल फसल केंद्र हैं तकरीबन हर नए पंचायत में है, उनके माध्यम से किसानों को इन की कमी ना हो इसको निश्चित कर लिया जाए। और सैनिटाइजर हैं, चाहे मास्क हों, चाहे जो संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, ये लगातार, और मैंने तो ये मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से जनपद के सभी लोगों से एक अनुरोध भी है कि इस समय जो व्यक्ति जो भी मदद करना चाहे, ताकि उस मदद के द्वारा हम जो ज़रूरतमंद है उस तक भी पहुँचा सके, उसके लिए मैं उनका आह्वान भी करता हूँ। थोड़ा आगे।